अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन। आपने आलू चिकन बहुत तरह के खाए होंगे, पर आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने आलूओं को धोकर अच्छे से काट लिया था। अब मैं एक पैन में तेल गरम कर रही हूँ, उसके अंदर मैं अपने आलूओं को फ्राई करूँगी। आलू का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। हमें आलू का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आप देखेंगे मेरे आलू तकरीबन फ्राई होने लग गए हैं धीरे धीरे, और मैं उनको पलटती रहूँगी ताकि वो ज़्यादा फ्राई ना हो जाएं। फ्राई करने से आलू का जो टेस्ट है आलू गोश्त में वो बहुत बढ़ जाता है। आप जब भी आलू गोश्त बनाएं तो उसके अंदर फ्राई आलू डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार और अच्छे से चला लेती हूँ मैं। देखिए आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और अब मैं इनको निकाल लूँगी। और हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। इसे हम एक साइड में रख देंगे इन आलू को। अब हम करते हैं अपना चिकन रेडी। सबसे पहले मैंने इस चिकन को धोकर वॉश कर लिया था अच्छे से। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर एक चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब मैं आधा चम्मच के करीब हल्दी डालूँगी, एक चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी, और एक चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ धनिया। आप ये चाहें तो गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने साबुत डाला है। अब आप इसके अंदर दो बड़े चम्मच दही डाल देंगे। और यहाँ मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट कर लिया है, और जो साबुत गरम मसाले हैं उसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा, दो इलायची हरी, और चार पांच मैंने लौंग, और चार पांच इसमें काली मिर्च डाल दी हैं। और इन सब में अब मैं नमक भी ऐड कर दूंगी ऊपर से, और इन सबको अच्छे से अब मैरिनेट कर दूंगी, मिला दूंगी अच्छे से, और उसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूंगी। अब मैं अपने कुकर में तेल गरम कर रखा है, इसके अंदर मैं एक चम्मच ज़ीरा डाल दूंगी, और एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको काट लूँगी और इसमें डाल दूँगी। इसे मुझे गुलाबी करना है, इसको मुझे बिल्कुल भी जलाना नहीं है या ब्राउन नहीं करना है डार्क, सिर्फ इसको मुझे पकाना है। इससे क्या होता है कि हमारे मसाले में प्याज जो है मिक्स हो जाती है, और वो तैरती हुई नज़र नहीं आएगी आलू गोश्त के अंदर। और अच्छे से मिक्स करना है इनको। अब हमारी प्याज हो चुकी है, मैं इसमें एक चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी, और उसको अच्छे से मिक्स करके भून लूंगी। इन सबको हमें अब भूनना है। चला देती हूँ मैं अच्छे से इन सबको, और इन सब की अब भुनाई करनी है।
देखिए मेरा ये सब जो है भुन चुका है, इसको मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया था और ये अब मेरा बिल्कुल भुन चुका है। और अब मैं इसमें अपना जो मैरिनेटेड चिकन है उसको ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, मैरिनेट करने से चिकन इसकी जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, हमारे जो चिकन है उसके ऊपर अच्छे से मसाला लग जाता है तो वो और टेस्टी लगने लगता है खाने में, इसीलिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। और अब मैं इसको अच्छे से, जो मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्ची डाली काटी थी उनको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इन सबको अच्छे से मिला करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसे हमें गलाने के लिए इसमें थोड़ा पानी ऐड और करना पड़ेगा। मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और थोड़े सा, और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मेरा चिकन गलता है मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी पकने के लिए। और अब हम इसे थोड़ी देर के बाद फिर चेक करेंगे कि हमारा चिकन गला है कि नहीं गला है। और अब मैं इसको अच्छे से पकने के लिए गैस पे ही रख दूंगी। आइए चलिए अब देखते हैं, हमारा चिकन रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है और अच्छे से हमारी ग्रेवी भी पक चुकी है इसके अंदर और चिकन भी गल गया है। अब जो मैंने आलू को फ्राई किया था वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें आधा गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये शोरबे वाले बनते हैं और शोरबे के साथ ही खाए जाते हैं, इसलिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें एक से दो विसल लगाऊंगी। मेरे कुकर में थोड़ी जल्दी विसल आती हैं तो इसलिए मुझे इसमें 2 विसल लगानी पड़ेंगी, वरना एक विसल ही काफ़ी रहेगी। और अब मैं इसमें 2 विसल लगाने का इंतज़ार करती हूँ ताकि मेरे आलू गल जाएं। चिकन पहले से ही गला हुआ है और अब मेरे इसमें 2 विसल आ चुकी हैं और अब मैं इसको एक बार खोलकर देख लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मेरी कितनी अच्छे से आलू गोश्त की जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। देखिए आप, सब चीज़ कितने अच्छे से गल गई हैं हर चीज़। और अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी चिकन की डिश तैयार हो चुकी है। आलू और चिकन आप इस तरह से बनाएंगे तो सबको सब जायका लेके खाएंगे। मेरी रेसिपी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।